यहाँ पे जो ऑफिस वाले भी हैं बेचारे, जो काम छोटे मुलाजम हैं, वो भी यहाँ पे आकर सारे इसका खाना खाकर खुश हो जाते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल टू फूडी फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों रियली सॉरी, दो हफ्ते से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, तो उसका रीज़न थोड़ा ये था कि घर में रिनोवेशन का काम लगाया हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक मारा करो, ये रिक्वेस्ट है भाई की। तो बात करते हैं वीडियो की इस प्रकार से कि आज जी हम जा रहे हैं खाना खाने विपिन शर्मा जी के पास, जो कि रेहड़ी लगाते हैं गांधीनगर में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने डिशेज चेंज करते रहते हैं, देखते हैं आज उन्होंने क्या बनाया हुआ है, आज हम वही टेस्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं उसी लोकेशन पर। तो लीजिए दोस्तों, पहुँच गए फिर हम विपिन जी की रेहड़ी के पास, जहाँ पर आज मैंने इनसे पूछा इन्होंने आज क्या बनाया हुआ है। इन्होंने आज बनाया है जी राजमा और कड़ी, क्योंकि इनकी डिशेज वगैरह चेंज होती रहती हैं। तो खाना खाने से पहले मैं आपके यहाँ आपके साथ यहाँ का लैंडमार्क और यहाँ का एड्रेस शेयर करता हूँ। जो ये एरिया है ये जी कहलाता है जी गांधीनगर, और मेरे लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे ये गांधीनगर का मिनी मार्केट कहलाता है, जहाँ पर ICICI प्रोडेंशियल बिल्कुल साथ में ही है और आगे जाके, और बिल्कुल एडजॉइनिंग ये एक पार्क भी है, ये आपके लिए लैंडमार्क रहेगा। और बिल्कुल मेरे राइट हैंड से अगर आप जाएंगे, जो ये रोड जा रही है, जो आप ये देख रहे हैं रोड, ये जाती है जी बाहू प्लाजा, और यहीं से आपका रेलवे स्टेशन भी आता है, जो केवल मात्र यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर के बीच में होगा। और एक और लैंडमार्क देना चाहूँगा मैं आपको, ये है जी गुलमोहर गैस एजेंसी, जो इंडियन वालों की है, ये बिल्डिंग देख लीजिए आप। तो ये यहाँ का एड्रेस है। तो चलिए फिर आज ट्राई करते हैं इनके राजमा और इनकी हाथ की बनी हुई कड़ी। देखिए ये बनाई गई है कड़ी दोस्तों, ये रही जी कड़ी पकौड़े वाली, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है जी। और ये रहे जी राजमा, जिसके लिए अपना जम्मू बड़ा फेमस है। तो देखिए दोस्तों, बड़े लोग चाव से खा रहे हैं राजमा और कड़ी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि ये राजमा कड़ी के साथ साथ जो अपने डिशेज हैं चेंज भी करते रहते हैं, कभी राजमा कड़ी हो गई या कभी राजमा अम्बल हो गई, तो लोग इनकी हर एक चीज़ की बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, चाहे वो कोई भी डिश पर नहीं हो, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट हर चीज़ बनाते हैं, ये कोई बना के नहीं लाते, हमेशा यहीं पर बनाकर लोगों को खिलाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, वो देखिए दूसरा लॉट बन रहा है चावल का, वो लॉट अब ख़त्म होने वाला है, और टाइमिंग रहेगी इनकी सर 12 से 3 के बीच में, जब आपको खाना अवेलेबल रहेगा, तो उसके बाद उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको खाना कोई मिलेगा यहाँ पर। सिंपल खाना बनाते हैं, राजमा ऐसे हफ्ते में एक बार, कड़ी दाल चोल अम्बल, तो सस्ता खाना देते हैं, साफ सुथरा, ठीक है। आम ऑफिस वाले ऐसे प्राइवेट काम करने वाले सब पसंद करते हैं, ठीक है। 10-15 साल से कर भैया जी, जब विपिन शर्मा जी का खाना है, देसी खाना बनाते हैं, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, मसाले वगैरह नहीं होते, सादा मसाला है। हफ्ते में 1-2 बार अम्बल और चने की दाल बनाते हैं, जैसे लोग गांव में ज़्यादा पसंद करते हैं, इनमें अच्छी वो है, क्वालिटी है, हर रोज़ लोग खाते हैं, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। 20 रुपये में पेट भरकर खाना मिल जाता है, सब अपने खुश होकर, लेबर तक का जितना भी है सारा खुश होकर खाता है। यहाँ पे जो ऑफिस वाले भी हैं बेचारे, जो काम छोटे मुलाजम हैं, वो भी यहाँ पे आकर सारे इसका खाना खाकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों बताना चाहता हूँ, पीछे एक पार्क भी है जैसे आप देख रहे हैं, वो इधर आके आराम से बैठ के भी आप अपना खाना खा सकते हैं। थोड़ा आपको मैं मुआयना करा दूँ यहाँ का, जैसे देखिए आप लोग खा भी रहोगे वो देखिए बैठ के, तो इधर बस सर्दियों में आइए, धूप में आके बैठ के मज़े से खाना खाइए और आनंद लीजिए अपने विपिन जी के कड़ी चावल का, राजमा चावल का। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि विपिन जी का खाना ख़त्म हो जाए, राजमा भी ख़त्म हो जाए और कड़ी भी ख़त्म हो जाए, अब हम इनके दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, देखेंगे टेस्ट कैसा है। तो फिर आ गए मेरे राजमा और कड़ी। कड़ी बताना चाहता हूँ, ये न्यूट्री वाली कड़ी है, मैं आपको उस टाइम पे बताना भूल गया कि ये न्यूट्री वाली कड़ी है, ये कोई पकोड़े वाली कड़ी नहीं है। और ये रही जी मूली की चटनी, तो मैंने मंगवाया है जी एक हाफ प्लेट, जो कि है 20 रुपीज़ का, अच्छा खासा है। अगर आपको टॉपअप भी कराना होगा तो आप टॉपअप भी करा सकते हो, जो केवल कुछ ही रुपये में होता है, 5 रुपये का भी आई थिंक मिल जाएगा आपको ये। तो चलिए पहले राजमा टेस्ट करते हैं, राजमा कैसा है।
देखिए मैं क्या तारीफ़ करूँ, बहुत टेस्टी है राजमा, बहुत ही शानदार है, बहुत टेस्टी बनाया हुआ है। ना कोई तीखा बना है, ना कोई तेज़ मसाले हैं इसके अंदर, एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया हुआ है, बहुत मज़ेदार। एक और ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ी चटनी भी ट्राई करते हैं। चटनी बहुत शानदार है, बहुत ही मज़ेदार चटनी है। मैंने कढ़ी और राजमा इकट्ठे मिक्स करके लिए थे, अब कढ़ी ट्राई करते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप केवल राजमा भी ले सकते हैं हम, या केवल कढ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों कंबाइन करके लिए ताकि मैं दोनों का टेस्ट कर सकूं। कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट मैं आपको फ्रेंकली चीज़ बताना चाहता हूँ, कंपैरेटिवली पकोड़े वाली कढ़ी न्यूट्री वाली कढ़ी से बेहतर होती है टेस्ट में। जो पकोड़े वाली कढ़ी होती है बहुत ही लाजवाब होती है, बट इसकी जो ग्रेवी है, ग्रेवी अच्छी है इसकी। मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे विपिन जी, जहाँ पर आज हमने राजमा ट्राई किए, इनकी कढ़ी ट्राई की। राजमा काफ़ी अच्छे थे, कढ़ी भी अच्छी थी, बट मैं आपको जैसे कहा कि मुझे न्यूट्री वाली कढ़ी इतनी पसंद नहीं है, मुझे पकोड़े वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे उसी में एक कढ़ी वाली फीलिंग आती है। तो आइए यहाँ इस पार्क में मज़े से खाना खाइए, अगर खड़े खड़े खाने का मन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आके खाना खाइए, और 20 रुपये में आपका पेट भरता है, और क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और अच्छी नई लोकेशन पे, किसी और नए अच्छे खाने के साथ में। टिल देन बाय बाय।